शुरुआत हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें अब 45 साल से ज्यादा के उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मोदी कैबिनेट ने इस पर बड़ा फैसला लिया, जिसकी जानकारी अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। कैबिनेट की ब्रीफिंग को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब 45 साल के ऊपर के लोग भी टीका लगवा सकेंगे और 1 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तक सीनियर सिटीजन यानी 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन अब 45 और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जा रहा है। इससे पहले जो प्रक्रिया थी उसके तहत अगर आप गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो 45 साल से ऊपर के लोगों को भी टीके लग रहे थे, लेकिन अब सभी लोग जिनकी उम्र 45 या उससे ज्यादा है वो रजिस्टर कर सकते हैं और 1 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सरकारी अस्पताल में मुफ्त और प्राइवेट में 250 रुपए का ये डोज होगा, यानी जो तय सिस्टम चला आ रहा है उसके मुताबिक। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के लिए अभी टीका ही एकमात्र कवच है, क्योंकि जिस तरह से इस दौर में केसेस बढ़ रहे हैं ये बेशक एक चिंता का विषय है इस वक्त सरकार के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब इस दायरे को और बढ़ाते हुए 45 साल के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। कोई भी हो, जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1st of April एनीबडी हु इज ओवर 45 एज विल गेट वैक्सीनेशन इवन दो ही हैज नो कोमॉर्बिडिटीज। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है, 45 उम्र है उसको मिलेगा 45 से ऊपर। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे ये कार्यकर्ता। बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ आरजेडी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और उसके बाद जो तस्वीर दिखाई दी वो आपके सामने। ट्रक पर सवार होकर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पहुंचे। पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को विधानसभा की तरफ बढ़ने से रोका तो टकराव हो गया। असम से लेकर बंगाल तक जोरदार प्रचार कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि नागरिकता कानून को लेकर उनकी सरकार पर कोई शंका नहीं है। ममता पर राजनाथ ने चोट का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। बंगाल से लेकर चीन और पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह ने आज तक से यह खास बात की। राजनाथ जी, स्वागत है आपका आज तक पर। असम के चुनाव के लिए आप प्रचार करने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी तो CAA लागू करने का फैसला लेंगे। ये बंगाल के लिए आया, क्या असम के लिए भी संकल्प पत्र में CAA लागू करने की टाइमलाइन आएगी? मैं समझता हूं कि हम पूरी सावधानी बरतेंगे कि किसी भी सूरत में जो असम की एक पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो किसी भी सूरत में प्रभावित न होने पाए। ये हमारा प्रयास होगा और वहां की जो सभ्यता संस्कृति है वह और अधिक मजबूत हो, असम की पहचान मजबूत हो, ये हम लोगों की तरफ से भरपूर कोशिश होगी। जो भी करना होगा हम लोगों को विश्वास में लेकर ही करेंगे असम के लोगों। अभी तय नहीं किया कि वहां CAA को लेके बातें उस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा इस CAA को लेकर जो है एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा की जा रही है, तो लोगों को एक विश्वास में लेकर ही कदम उठाना मैं समझता हूँ कि यह उचित होगा। इसी चीज को लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है कि आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है बंगाल असम के बीच में, क्या वाकई ऐसा है? अरे बैलेंसिंग एक्ट नहीं, कभी भी हमारी सरकार का यह उद्देश्य नहीं हो सकता है कि किसी भी राज्य की आइडेंटिटी प्रभावित हो, हम कभी नहीं चाहेंगे। और लेकिन कुछ लोगों ने आशंका पैदा कर रखी है कि इसके कारण जो है वहां की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वहां की सभ्यता संस्कृति है वो प्रभावित होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस गलतफहमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल में CAA NRC को लेके असम से ही जो चीजें खड़ी हुई थी अब उसी असम में उन बातों को कहने में या उन पर चर्चा करने में पार्टी को हिचक हुई? मैंने कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैंने तो मात्र इतना ही कहा है कि जो भी हमको करना होगा वहां के लोगों को विश्वास में लेकर ही हम करेंगे।
जो लोगों की गलत फहमी है उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी और सीएए डिस्कोर्स में नहीं है, असम में एनआरसी और सीएए डिस्कोर्स में नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हमारी अपनी बात है। क्या आप जब असम में बातें करेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, उसमें सीएए का जिक्र होगा या फिर अब सीएए बैक सीट पर है? सर अब देख लेंगे, वहां पर जैसी स्थिति बनेगी, जहां आवश्यक होगा वहां इसके संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो मैं बात कह रहा हूं, यही बात बोलना होगा यदि मुझे, तो मैं जनता के बीच बोलूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं असम के लिए, उसमें से एक है सीएए को खत्म करेंगे, केंद्रीय कानून को असम से खत्म करने की बात। क्या ये देखिए, ऐसा है कांग्रेस के द्वारा जितने भी आश्वासन, चाहे बंगाल हो अथवा असम हो अथवा देश का कोई राज्य हो, उसमें जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो बेमानी है। क्योंकि कांग्रेस भी हकीकत को जानती है कि किसी भी स्थिति में केंद्र में आगामी कई वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। यह तो आम जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन और मेरा यह मानना है कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को अथवा राजनेता को नहीं करनी चाहिए। राजनीति यदि करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। विश्वास का संकट किसी भी सूरत में किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि इसके पहले जिस प्रकार की राजनीति कुछ समय के लिए हुई है, उसमें राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति अब टू सब एक्सटेंट किसी हद तक एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम जो कहेंगे वो हम करेंगे। ये चुनाव क्रेडिबिलिटी का चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, या पिछला एक साल जो पूरे देश ने देखा है, महसूस किया है, उससे बाहर निकलने का और उससे आगे बढ़ने की दिशा में एक सपना बेचने का चुनाव? सपना बेचा नहीं जाता। जो बातें रखी जाती हैं, जो स्वप्न दिखाए जाते हैं, उस स्वप्न को पूरा करना यह राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और आपने देखा होगा केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा था, हम लोगों ने पूरी सावधानी बरती, वे ही सब सारे मुद्दे इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाले जाने चाहिए जिन पर हम अमल कर सकें, इसे हम पूरा कर सकें, ये हम लोगों ने सावधानी बरती। इतना ही नहीं बल्कि 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई थी, उस समय जो हमारे मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी हमने सरकार बनने के बाद, यानी संसद में क्लियर मेजॉरिटी पूरी होने पाने के बाद, हम लोगों ने उसे पूरा किया है। असम में जो बीजेपी की तरफ से बड़ी बात की जा रही है, जो स्थानीय नेता भाषण दे रहे हैं जाके, वो कह रहे हैं असमिया संस्कृति बनाम मियां कल्चर, क्या कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के एक साथ आने के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा? देखिये, AUDF का जहां तक सवाल है, यही AUDF ने समाज को बांट कर बराबर जो है राजनीति की है। हमारा यह मानना है किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जो कि जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करती है। जो राजनीतिक पार्टियां इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करती हैं, उनके साथ गठबंधन करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये कहना असमिया संस्कृति वर्सेज मियां संस्कृति, क्या ये आपको अल्पसंख्यक वोट से पूरी तरह काट नहीं देगा? नहीं, मैं देखिए, समाज का कोई भी वर्ग हो, हम किसी भी वर्ग से कोई नफरत नहीं करते हैं। मैं दो टूक शब्दों में कह देना चाहता हूँ, जो भी भारत का नागरिक है, वह चाहे किसी भी जाति, पंथ और मजहब का क्यों न हो, हमको, हम सभी को समान नजरिए से देखते हैं। हम कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करते। असम में आपकी दो रैलियां, बंगाल में भी आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, आपने सौरभ का सिक्सर भी याद दिलाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में खेला हो बे, या फिर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जोर से छाप और अब की बार TMC साफ।
देखिए खेला हो बे, एक खेला हो बे तो तोलाबाजी का खेला ना हो बे, कटमनी का खेला ना हो बे, भ्रष्टाचार का खेला ना हो बे, खेला हो बे तो विकास का खेला हो बे, अशांति का खेला हो बे पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने इस बार नाक का सवाल बना लिया क्या बंगाल पे? नाक का सवाल बना लिया? नहीं, नाक का सवाल बनाने का कोई प्रश्न नहीं, चुनाव जैसे सभी चुनाव लड़ते हैं वैसे हम बंगाल का भी चुनाव लड़ते हैं। इस बार इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बंगाल को लेकर बीजेपी? कुछ नहीं, जन सामान्य में जैसा माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में जो एक विश्वास और भरोसा निरंतर बढ़ता जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी इस प्रकार का विश्वास और भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है, और जो हम लोगों की सार्वजनिक सभाओं में जन सामान्य की रुझान देखने को मिल रही है उससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बंगाल के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो बंगाल में जहां बीजेपी अपनी सरकार बनाने का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश जहां कमलनाथ सरकार गिरी तो शिवराज सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। उनकी सरकार को अब एक साल पूरा हो गया है। बतौर सीएम शिवराज सिंह का यह चौथा कार्यकाल है। इस बार भी कोरोना की चुनौती से निपटने के साथ उन्होंने किसानों से लेकर युवा और आदिवासी समुदाय को पूरी तरह साधने की कोशिश की। इरादों से लेकर चुनौतियों तक पर आज तक ने शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की। आज 23 मार्च है और आज से ठीक एक साल पहले 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी चौथी बार शिवराज सिंह चौहान। आज पूरा एक साल हो गया है, लेकिन अगर पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर पर देखें तो 14 साल पूरे कर लिए हैं शिवराज जी आपने। लेकिन ये 14 सालों में से ये जो बीता एक साल है ये सबसे कठिन साल रहा आपके मुख्यमंत्री के तौर पर, आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर ये कठिन, चुनौतियों से भरा साल रहा है। जब मैं आया तो कोरोना कहर ढा रहा था, व्यवस्थाएं थी नहीं, सिस्टम कोई था नहीं कोरोना के इलाज का, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलनी पड़ता है। अभी मैं देख रहा था कि हमने एक साल में 89,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत डाला इस विपरीत परिस्थितियों में। बहुत तेजी से काम हो रहा है, 9,800 करोड़ से ज्यादा की शासकीय संपत्ति को भूमाफियाओं के कब्जे से खाली करवा लिया गया। ये तो खाली हो गई है, लेकिन जो खाली होने वाली है, मेरा अंदाज है कि अकेले इंदौर में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की जमीन ऐसी थी जो माफियाओं ने दबा ली थी, अब उसको हम मुक्त करा रहे हैं। गरीबों को, मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों को प्लाट दिलवा रहे हैं। तो ये एक ऐसा नेक्सस था, एक ऐसा जाल था जिसमें फंस के आम आदमी अपनी जिंदगी भर की न केवल कमाई खो देता था बल्कि सब कुछ उसका लुट जाता था। और ये इतने प्रभावी थे कि हर सरकार से चिपक जाए सत्ता के दलाल। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र गई, लोगों ने मुझे शिकायत की, तो मैंने तय किया कि इनका सफाया करना अत्यंत आवश्यक है। अब उनका सफाया हो रहा है। अब आप एक साल जब ये पूरा हुआ है आपके कार्यकाल का मुख्यमंत्री के बतौर चौथे बार, तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा है। आप लेकिन खुद जनता के बीच इस बार जा रहे हैं, उन्हें मास्क भी पहना रहे हैं। हमने तय किया कि संक्रमण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो है मास्क, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। ये अभियान हमने चलाया है क्योंकि 90% संक्रमण इससे अगर मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं। इस एक साल में 1,000 करोड़ रुपए किसानों में वितरित किए गए, 1,000 करोड़ रुपए की शासकीय संपत्ति खाली करवाई गई, कोरोना की रोकथाम को लेकर कदम उठाए गए, विपक्षी दलों के लिए क्या कोई मुद्दा बचेगा या नहीं सरकार को घेरने का? आपको लगता है ऐसा कुछ कि अब वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं हो, आपको लगता है? हम सरकार भी हैं और जनता के सेवक के नाते अगर गड़बड़ होती है तो विपक्ष की भूमिका भी अदा कर देते हैं, मतलब गड़बड़ करने वालों को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि विपक्ष रहे, तगड़ा विपक्ष रहे, वो लोकतंत्र के लिए ठीक होता है। मेरी उनको शुभकामनाएं। और अच्छी बात करने के लिए ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बतौर चौथा कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का है उसमें एक साल और जुड़ गए हैं, कुल 14 साल का रिकॉर्ड
कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का हो चुका है। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी उस पर इन्होंने बातचीत की और एक साल पूरे होने पर जो काम किए हैं उसकी जानकारी दी। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।